लगातार फैल रहे कोरोना वायरस ने भारतीय नौसेना को भी अपनी चपेट में ले लिया है। पूरे महकमे में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक मुंबई में वेस्टर्न नेवल कमांड में 26 नौसैनिक कोरोना संक्रमित मिले हैं। ये सभी नौसैनिक INS आंगरे पर तैनात थे और एक ही जगह पर रहते थे। शुभ्रा, बिल्कुल, नेवी की ओर से एक बयान में ये कहा गया है कि इनमें से अधिकतर को एक ही नौसैनिक से संक्रमण मिला जो 7 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। सैन्य बल में अब तक मिला ये सबसे बड़ा मामला है। इससे पहले भारतीय सेना में भी कोरोना संक्रमण के 8 मामले सामने आ चुके हैं। जी हाँ, इस मामले के सामने आने के बाद नौसेना ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का एक बड़ा ऑपरेशन भी शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत ये पता लगाया जाएगा कि ये संक्रमित हुए नौसैनिक किन किन लोगों से मिले थे, ताकि उन सभी का टेस्ट किया जा सके। फिलहाल पूरे INS आगरे को संक्रमण जोन घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जी हाँ, सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों की नौसेना में भी ये महामारी फैल रही है। अमेरिका में एक एयरक्राफ्ट करियर US थेडोर रूजवेल्ट में करीब 500 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं फ्रांस भी नेवी को भी कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया है। इसके साथ ही नेवी पर कोरोना अटैक पर हम दिखाते हैं आपको संवाददाता शिवानी की रिपोर्ट, ताकि जो स्थिति है और स्पष्ट हो जाए आपके सामने। में कुल मिलाकर नेवी से जुड़े ऑफिसर्स को कोरोना वायरस का केस पॉजिटिव निकला है। फिलहाल आप जो लायन गेट देख सकते हैं, यहीं पर सीमा रेखा है समुद्र की, जहां पर INS आंध्रे काफी समय से यहां पर उपस्थित था। अपने आप में बहुत बड़ी और खतरनाक खबर यह है कि ये नेवी तक पहुंच चुका है, जहां पर इतने लंबे दिनों से लॉकडाउन चल रहा है। तो फिलहाल अब इन्वेस्टिगेशन इस तरह से होगी कि आखिर नेवी ऑफिसर्स तक आखिर इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद कोरोना वायरस अंदर दाखिल कैसे हुआ।